वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बेल का शरबत यानी कि बेल का जूस बनाना बताऊंगी, जो पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में ये जूस बनाना बताऊंगी। आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बेल ली है, आप देख सकते हैं ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये देखिए इस तरह की ये बेल होती है। इसको अब हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी हाथ में हम भारी वजन की बेलन या कुछ भी ले लेंगे और इस तरह से हम उस पर हिट करेंगे जोर जोर से, तो ये आसानी से टूट जाएगी। बेल को तोड़ने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। बेल को हमें जमीन पे रखना है और भारी वजन का जो पत्थर या ये किचन में जो हम काम में लेते हैं, इसको हमें जोर जोर से प्रेशर डालते हुए इसको हमें तोड़ना है। ये देखिए प्रेशर डालने से इस तरह ये आसानी से टूट जाती है। इस तरह हम इसको खींच लेंगे, फिर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेल हमारी निकली है अंदर से। तो इसका हमें अब पल्प निकालना है। पल्प जो है कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने कांच का बाउल रखा है, इसमें हमें पल्प निकालूंगी। इस तरह कौन सी भी स्टिक आप ले सकते हैं और चारों तरफ से इसको इस तरह से छोड़ते हुए इसको हम निकालेंगे, आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह हमें इसका पल्प पूरा निकालना है अच्छी तरह से। इस तरह आप देख सकते हैं बड़े आसानी से निकल जाता है। इस तरह जो अंदर भी जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम पूरा अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा ही इसको साफ करना। आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम ऐसे ही खाली करेंगे। ये देखिए इसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह चारों तरफ से हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरीके से पूरा हमें इसको खाली करना है। अब इस पल्प में हम एक गिलास नॉर्मल पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और अच्छी तरह से ये फूल जाए। इस तरह हमें इसको पानी में डुबोकर एक घंटे के लिए हमें इसको ढककर रख देना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाएगी और इसके बीज जो है आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको ढककर हम एक घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक घंटा हमारा हो गया है। बेल का जो पल्प हमने निकाला था वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। पल्प को मैश करने के दो तरीके हैं। एक तो आप चाहे तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आज हम इसको हैंड मिक्सर से मैश करेंगे, जिससे हम जल्दी से हमारा बेल का जूस निकल जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, इसको हैंड मिक्सर से ही मैश करें। मिक्सी में डालने की कभी भी गलती नहीं करें। मिक्सी में डालने से सारे बीज उसमें पिस जाएंगे तो जूस जो हमारा कड़वा हो जाएगा, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो चलिए अब हम हैंड मिक्सर से इसको मैश करते हैं। इस तरह आप देखिए आसानी से इसमें मैश हो गया, आप देख सकते हैं। इसको अभी हमें छानना है और थोड़ा पानी भी ऐड करना है। इस तरह देखिए बेल का शरबत हमारा बन गया है। इसको गाढ़ा पतला अपने अकॉर्डिंग रखना है, आपको जैसा पसंद हो वैसे आप कर सकते हो। यदि गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मोर पानी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें इसको छानना है। यहाँ पर मैंने खाली बाउल रखा है, तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं ताकि बीज जो है ऊपर रह जाएंगे। इस तरह हमें इसको छानना है। आप देख सकते हैं आसानी से छन जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं सारा जो जूस है मैंने छान लिया है और ऊपर का जो ये पल्प बचा है इसको हम अलग कर देते हैं। इसमें मैंने आधे गिलास पानी ऐड किया था। आप देख सकते हैं शरबत बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे पीने से थोड़ी सी मिठास में कमी आती है, तो जरा सी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून में इसमें शुगर ऐड करूंगी।
और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। शरबत को एक जग में मैं ट्रांसफर करूंगी। अब जग तो हमारा फुल हो गया है, बाकी बचे शरबत को मैं गिलास में सर्व करूंगी। देखिए एक बेल का शरबत कितनी क्वांटिटी में बना है, हम घर पर बनाए तो कितना सस्ता भी पड़ता है और कितनी जल्दी हम घर पे इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मसाला ऐड करके भी पी सकते हैं। थोड़ा सा मैं सेकावा जीरा ऐड करूंगी, थोड़ा ऐड करूंगी मैं काला नमक, थोड़ी सी हम डाल देंगे इनमें आइस क्यूब और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बेल का शरबत पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे फायदे भी है। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से भी हमें बचाता है। लगातार इसका यदि हम सेवन करें तो ये हमारे खून को भी साफ करता है। मुंह में यदि छाले हो गए हैं तो वो भी जो है हमारे ठीक हो जाते हैं। इस तरह बहुत तरह से ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। आपने कभी ये शरबत नहीं पिया है तो जरूर बनाकर इसे पीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।